यहाँ पे हम टपकेश्वर मंदिर, अब यहाँ से निकल गए, 11-12 बज रहे होंगे इस टाइम, 12 बज चुके हैं, 12:30 हो गए। तो अभी हम आते रास्ते में हैं, थोड़ा बहुत सामान घर से जो था लेना वो ले लिया है, बाकी सामान रास्ते से ही खरीदेंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से और आपको दिखाते हैं आगे, बड़ी कैंट से व्यू होगी अभी यहाँ से ले लीजिए। तो अभी चलते हैं, आज हर एक जगह मंदिरों में सारी भीड़ ही भीड़ है। कहीं ये लक्ष्मीनारायण पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो रही है मंदिरों में। यहाँ पे नारायण जी के दर्शन कर दो और हनुमान जी के दर्शन कर दो। टपकेश्वर वाली रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो कितना अच्छा चित्रकारी करी है, मंदिर का बना हुआ टपकेश्वर का प्यारा प्यारा डिजाइन कर रहा। बस अब ये आ गया है रास्ता, इस रास्ते से हम जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, है तो है, पर है तो पर ज़्यादा नहीं है पर है। यहाँ पे हमने कर लिया है गन्ने का पैक भगवान जी को चढ़ाने के लिए। पार्किंग के पैसे कितने लगे? 40 रुपये पार्किंग के पैसे लगे यहाँ पे, 20 रुपये लगते हैं यहाँ पे, 40 रुपये लगे पार्किंग के। पर ये कि सेफ जगह है, अंदर घर के अंदर खड़ी होगी किसी के, मतलब यहाँ पे लोगों ने अपना बिजनेस बना रखा होगा घर के अंदर गाड़ी खड़ी करने का, तो 40-40 रुपये लगे पार्किंग के, पर सही है। अब से मैंने कंठी माला भी धारण कर ली और अब से मैंने प्याज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया आज से ही शिवरात्रि के दिन से, वरना अभी तक तो मैं खाती थी और नॉर्मल चीज़ नहीं खाती, वैसे नहीं खाती थी, ये अंडा वंडा तो नहीं खाती थी मैं पहले से ही, 5-6 साल से छोटा था मैंने, शादी हुई तब से छोटा था मैंने। बस ये कि अब मैंने लहसुन वगैरह प्याज वगैरह भी छोड़ दिया, लहसुन प्याज तो मैं पहले खा लेती थी पर अब आज से मैंने छोड़ दिया वो भी, क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन आ रही है राधा रानी, तो 18 तारीख को मेरा है जन्मदिन, तो हम लेके आएंगे वहाँ से राधा रानी को। तो जब भी आएंगी वो तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर जरूर करूँगी। तो अब यहाँ पे गन्ने का जूस बन रहा है, भगवान जी के लिए पैक हो रहा है वो, तो वो चढ़ा देंगे उनको और अभी चलते हैं मंदिर की ओर, तो आगे दर्शन कराते हैं। अब हम चल दिए पैदल पैदल रास्ते और यहीं से मेला भी शुरू हो गया, क्योंकि मेला भी लगता है आज के दिन, और मंदिर का भी यहीं से रास्ता है, मैं दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया है अंदर जाने का, यहाँ से अंदर जाएंगे। अब लग गया है, यहाँ से मेला स्टार्ट हो गया है। लड़की भयंकर कर रही।
चलो चलते रहो चलते रहो। कितनी भीड़ है इधर, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। बनाओगे वीडियो ले जाना, मुश्किल होगा जिसकी खड़ी होगी। भीड़ बढ़ रही है पर हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। अभी चलते नीचे, अभी यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है। मंदिर में पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, और ऊपर से आए थे वहाँ से रास्ता है आने का नीचे। अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि भीड़ में बहुत धक्का मुक्की हो रही है, पर हम तो आराम से आए। इधर को जाना है, भयंकर मंदिर का यही है तोड़ा, देख लो क्या अरे 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 भाई चलो 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 खुला प्रसाद नहीं, खुला प्रसाद नहीं, अपना प्रसाद खोल के रखे जी, प्रसाद खोले
बिगड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं इसको। नारियल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, बंद पैकेट चढ़ाओ, तो टच कराओ जल्दी जाओ। ठीक है फाइनली दर्शन हो चुके हैं और शाम के 6 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे दर्शन में, भीड़ बहुत हो रही थी और यहाँ पे पतिदेव बच्चे गए इनको भूख लग चुकी है, संतरा खा रहे हैं अभी। मेरा तो फास्ट है, घर चलते फटाफट से। सो गाइज, आपने देखा किस प्रकार भीड़ हो रही थी मंदिर में, आपको फाइनली दर्शन हो चुके हैं मंदिर के। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया।